राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो कल हम गए थे सैटरडे को अपना कुछ ग्रोसरी का सामान लेने, तो कुछ जो ऊपर का सामान था जैसे शैम्पू वगैरह थे, पेस्ट वगैरह जो भी थे वो मैं ऊपर रख के आ गई थी कल रात को ही। और ये मैंने कुछ जो मेरा ग्रोसरी का सामान था जो मैं ये लेके आई थी ना, इनको मैं अपनी जगह पे रख लूंगी। मैं कल जो ये कंटेनर है ना ये भी खरीद के लेके आई थी। और जैसे ये ऑयल है ये मैं इसमें ट्रांसफर कर लूंगी। सारा सामान अपनी जगह पे रख दूंगी ना तो हमारी किचन हो जाएगी अच्छे से सेट। और हमें ऐसा ही करना चाहिए, ये नहीं कि हमारा सामान पड़ा रहे तो हमारी किचन फैली फैली लगती। तो ये सारा सामान समेट कर और आज मैं आपको दूंगी मेरी किचन का टूर। काम मेरा हो गया था काफ़ी और फिर बच्चे भी उठकर आ गए थे तो उनके लिए बनाया मैंने बनाना शेक। और इसमें मैंने चिया सीड भी डाले हैं और इसमें मैं ही अनार भी डाल दूंगी। कुछ अलग करके देते हैं तो बच्चे थोड़ा खुश होकर पी लेते हैं। तो उन्होंने पिया अपना शेक। और अब मैंने लंच में बना लिया था तोरू की सब्जी अलूणी घी के साथ रोटी और लस्सी। और अब मैं आपको दे दूँगी मेरी किचन का टूर। ये किचन मेरी छोटी ही है तो यहाँ से यहाँ पर मेरा मटका है और इसके जस्ट ऊपर मेरा आरओ है। और ये मैं जो कांच के बर्तन होते हैं मैं यहीं पर ही धो के रख देती हूँ कफ वगैरह। और ये मैंने एक वेस्ट से ही DIY किया था, इसमें मैं अपने चक्कू वगैरह रख लेती हूँ। और ये मेरी यहाँ पे गैस है, मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसका जो काउंटर टॉप है ना ये मेरा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है। और ये सब मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह रख लेती हूँ उनमें, तो इन सब में मेरे बर्तन वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पर मेरा एक तेल रखने का कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है उसमें, और एक छोटा है उसमें, इसमें ट्रांसफ़र करके रख लेती हूँ क्योंकि उसमें बार बार निकलता नहीं है। यहाँ पर मेरा सिलेंडर है और यहाँ पर मैं आटा रख लेती हूँ उसमें, बड़ी वाली जो टंकी है ना इसमें। और ये मैंने कुछ सर्फ वगैरह जो कपड़े धोने के कुछ भी आइटम है ना ये सब मैंने यहाँ पे रख रखे हैं एक्स्ट्रा में, यूज़ लेने के मैंने बाहर रख रखे हैं। और ये मेरा फ्रिज है इसके जस्ट सामने ही। और ये मेरा स्टोरेज है, मेरा सारा सामान स्टोरेज में ही होता है। ये अपना एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है और ये पितृ भगवान है। और ऐसे ये मेरा एक स्टोरेज है, मेरा सारा सामान यहीं पे ही होता है। और ये मैंने कल आपसे शेयर किया था, मैं देसी घी है इनमें और इसमें मैं जो खुद बनाती हूँ ना घी इसमें मैं वो ही स्टोर कर लेती हूँ। और ये मैंने मंगोड़ियाँ बनाई थी घर पर ही। और यहाँ पर मैं रख लूँगी अपने जो गेहूँ के जो स्टोरेज है ना कंटेनर मेरे वो। तो राम राम जी फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए मिनी ब्लॉग में।